केंद्र एवं राज्य सरकारों की इस गलत नीति के विरुद्ध संपूर्ण भारत में सुन्नी कॉन्फ्रेंस आयोजित कर ये संदेश देगा कि 15 करोड़ सूफी सुन्नी मुसलमानों को किसी भी अवस्था में वहां की संस्थाओं अथवा उनसे संबंध व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व स्वीकार नहीं है। बोर्ड पूर्णतः विश्वस्त है कि भारत के 15 करोड़ सूफी सुन्नी मुसलमानों का प्रतिनिधित्व सुन्नी सूफी मुसलमान स्वयं करेंगे तथा भविष्य में उसी पार्टी को राजनीतिक बल प्रदान करेंगे जो सुन्नी सूफी मुसलमानों की समस्याओं पर आधारित प्रत्यावेदन पर गंभीरता से विचार कर देश हित में सकारात्मक कदम उठाएगी। बोलिए आप तैयार हैं? करने को बात करने का प्रयत्न किया जा रहा है। वोट मांग करता है कि हमारे
शायद देश के विदेश मंत्रालय इस मामले में हस्तक्षेप कर वहाबियों के गैर इस्लामी कानून जो वो नाफिज करने जा रहे हैं उसे रोके। कहिए आप साथ हैं? इन द्वारा प्रस्तावित सेंट्रल मदरसा बोर्ड के बिल को ऑल इंडिया उलमा मुजाहिद बोर्ड द्वारा प्रस्तावित संशोधन कर मुस्लिम समाज के अनुत्थान हेतु सेंट्रल मदरसा बोर्ड बिल को संसद में पारित किया जाए। कंपनियों के सभी सरकारी कब्जे हटाए जाए तथा तत्काल प्रभाव से उनका किराया करेंट मार्केट रेट से संबंधित वक्त बोर्डों में जमा कराया जाए और संबंधित राशि सुन्नी सूफी मुसलमानों के उत्थान हेतु प्रयोग किया जाए। सुन्नी सेंट्रल वक्त बोर्ड के सभी अभिलेखों की कंप्यूटराइज माइक्रोफिल्म बनाई जाए जिसमें सभी दस्तावेज सुरक्षित किए जा सके जिससे भविष्य में किसी भी प्रकार की धांधली या खुर्द बुर्द ना हो सके एवं बोर्ड में अभिलेखों की उच्च स्तरीय जांच हेतु आयोग का गठन किया जाए जिससे समझदारी रूप से सुन्नी सूफी मुसलमानों के पूर्वजों द्वारा वक्फ की गई संपत्तियों का उचित उपयोग वक्फ करने वाले की इच्छा अनुसार हो सके जिसका प्रावधान वक्त क्षेत्र में भी मौजूद है। सभी मुस्लिम सरकारी और सरकारी मुस्लिम संस्थाओं में सुन्नी सूफी मुसलमानों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाए। हज कमेटी, अल्पसंख्यक एवं कल्याण विभाग, मौलाना आजाद फाउंडेशन, नेशनल प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्थायी उद्योग, लघु उद्योग आदि सरकारी विभिन्न योजनाओं से सुन्नी सूफी मुसलमान वंचित रहा। केवल वहाबी वर्ग ही सभी योजनाओं का लाभ लेते रहे। बोर्ड ये मांग करता है कि सभी सरकारी अर्ध सरकारी योजनाओं में मुसलमानों के बहुसंख्यक सुन्नी मुसलमानों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में लाभान्वित किया जाए जिससे वो मुख्य धारा में जुड़े तथा देश की प्रगति में बराबर के भागीदार बने। ख्वाजा गरीब नवाज के मौके पर 6 रजब-उल-मजहब को ऑल इंडिया छुट्टी दी जाए। देश की वक्फ बोर्ड में पंजीकृत सभी दरगाहों, खानकाहों एवं उससे संबंधित संपत्तियों को संसद में नए एक्ट बनाकर उसे वक्फ बोर्ड से अलग किया जाए तथा सभी दरगाहों, खानकाहों पर सुन्नी सूफी मुसलमानों की नियुक्ति दी जाए तथा श्रद्धालुओं की लिए समुचित व्यवस्था प्रदान करने हेतु केंद्र तथा राज्य सरकारें दरगाहों का विकास सुनियोजित ढंग से करें और जो दरगाहें, आस्थाने वह बोर्ड में पंजीकृत नहीं है पर वहां पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं उनके आने जाने और ठहरने की सुविधा की जाए जिससे श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना न करना पड़े। एमसीडी घोषित जनपदों की सीमा 25% से हटाकर 15% की जाए जिससे ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम वर्ग लाभान्वित हो। भागलपुर, बिहार, अम्बेडकर नगर, गोंडा, कानपुर, फिरोजाबाद, सुल्तानपुर को मिनाटी कंसंट्रेटेड डिस्ट्रिक्ट यानी एमसीडी की श्रेणी में सम्मिलित किया जाए। बोर्ड के सर्वेक्षण के अनुसार इन जनपदों में मुस्लिम जनसंख्या पूरे जनपद की संख्या का 25% से ज्यादा है।